हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हरेश और जैसा कि आपको पता ही है, मेरे चैनल का नाम है अनमोल हिंदी। दोस्तों, आज का वीडियो डी मिलान क्रीम के ऊपर है, जो कि एक मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्रीम को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और हो सके तो अनमोल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यह है डी मिलान क्रीम, जिसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाती है। यह क्रीम आपको 20 ग्राम के पैक में किसी भी मेडिकल स्टोर या केमिस्ट शॉप पर बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। इसकी MRP 415 रुपीस रहती है, यानी कि 415 रुपए में ये क्रीम आपको मिल जाती है, जिसे अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती है, जिसके बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप बड़ी आसानी से घर बैठे इस क्रीम को ऑर्डर कर सकेंगे। दोस्तों, डी मिलान क्रीम में ग्लाइकोलिक एसिड, अर्ब्यूटिन एंड कोजिक एसिड, ये तीन कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, और ये तीन कंटेंट जो इस क्रीम में डाले गए हैं, ये आपके स्किन में से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने तथा स्किन लाइटिंग करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, बात करें इसके पहले इंग्रेडिएंट्स की, जो कि ग्लाइकोलिक एसिड है। दोस्तों, ग्लाइकोलिक एसिड यह एक प्रकार का AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जिसे सुगर केन यानी कि गन्ने से ड्राइव किया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड यह एक्सफोलिएंट होता है, जो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके ब्राइटर स्किन लेयर्स को एक्सपोज करता है। यह हमारे स्किन में पीलिंग का काम करता है। यह हमारे स्किन में फाइब्रोब्लास्ट को उत्तेजित करता है, ताकि वह हमारी त्वचा में कोलेजन की मात्रा को अधिक बढ़ा सके। इस प्रक्रिया से प्रीमैच्योर एजिंग की निशानी, फाइन लाइन एंड रिंकल में बहुत हेल्प होता है। स्किन स्मूथर, ग्लोइंग, रेडिएंट एंड यंगर दिखाई देती है। दोस्तों, ग्लाइकोलिक एसिड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स अर्ब्यूटिन की। अर्ब्यूटिन यह एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है। इसका इस्तेमाल हाइपर पिगमेंटेशन में सबसे सेफेस्ट स्किन लाइटनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यह बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके स्किन को लाइटन करने में आपकी पूरी मदद करता है। दोस्तों, अर्ब्यूटिन को मुख्य रूप से बियरबेरी फ्रूट्स की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अर्ब्यूटिन का उपयोग हाइपर पिगमेंटेशन के इलाज के लिए स्किन डॉक्टरों द्वारा टॉपिकल स्किन लाइटनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अर्ब्यूटिन यह टायरोसिन एंड मेलानोसाइट के बीच की प्रक्रिया को बाधित करता है, जिससे त्वचा में मेलेनिन कम मात्रा में बनता है, और मेलेनिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होने से स्किन लाइटनिंग एंड ग्लोइंग होने लगती है। इसका तीसरा इंग्रेडिएंट्स है कोजिक एसिड। दोस्तों, कोजिक एसिड को भी सबसे सेफ स्किन लाइटनिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है, जो बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए मेलेनिन पिगमेंट को बनने से रोकता है। ये टायरोसिन को बनने से रोकता है, जो कि एक एमिनो एसिड होता है, जो मेलेनिन के निर्माण के लिए जरूरी होता है। और मेलेनिन यह पिगमेंट होता है, जो हमारी त्वचा को काली या गोरी रंगत प्रदान करता है। हमारी त्वचा में जितना मेलेनिन कम बनेगा, उतनी ही त्वचा गोरी बनती है। और कोजिक एसिड यह मेलेनिन के उत्पादन को रोकता है, जिससे त्वचा गोरी बनती है। दोस्तों, ये तीनों ही कंटेंट जो इस क्रीम में डाले गए हैं, ये मेलेनिन के प्रोडक्शन को रोकने का काम करती है, जिससे स्किन लाइटनिंग होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो दोस्तों, डी मिलान क्रीम को आपको डेली नाइट में सोने से पहले लगाना रहता है। इस क्रीम को लगाने से पहले अपने फेस को किसी अच्छे क्लींजर से वॉश जरूर करें। फेस वॉश करने के बाद जब आपका फेस ड्राई हो जाए, तो इस क्रीम की थोड़ी सी मात्रा लेकर अपने पूरे चेहरे पर इस क्रीम को लगाकर कुछ देर हल्के हाथों से मसाज करें, जब तक कि ये क्रीम आपके फेस पर पूरी तरह से ऑब्जर्व ना हो जाए। और ध्यान रखें, इस क्रीम को अपने आंखों के आसपास के हिस्सों में ना लगाएं, क्योंकि आंखों के आसपास की स्किन काफी ज्यादा थिन होती है और ये क्रीम पीलिंग का भी काम करती है, इसलिए इसे आंखों के आसपास के हिस्सों में ना लगाएं। इसी के साथ आपको डेली SPF 30 प्लस वाला कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन डे टाइम में यूज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप सनस्क्रीन यूज करोगे, तभी आपको इस क्रीम के रिजल्ट मिलते हैं। आप डेली डी मिलान क्रीम लगाओगे, लेकिन बिना सन प्रोटेक्शन के बाहर धूप में जाओगे, तो आपकी स्किन खराब भी हो सकती है। इसीलिए इस क्रीम के साथ सनस्क्रीन लगाना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको इस क्रीम के रिजल्ट मिलते हैं। अब आपके कुछ सवाल है,
जो आपने मेरे पिछले डीमिलान क्रीम के वीडियो में पूछे थे, डीमिलान क्रीम को कितने एज वाले यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, डीमिलान क्रीम यह एक मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम है जिसे डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर यूज किया जाता है। इस क्रीम को 18 प्लस वाले मेल फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। 18 इयर्स से कम एज वाले इस क्रीम को यूज ना करें। डीमिलान क्रीम को कितने दिनों तक यूज करना है? डीमिलान क्रीम को मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ तक यूज किया जा सकता है। इस बीच सनस्क्रीन का उपयोग करना जरूरी रहता है। क्या डीमिलान क्रीम चेहरे को गोरा करता है? हाँ, ये क्रीम चेहरे को गोरा करता है, डार्क स्पॉट एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है, फाइन लाइन रिंकल में हेल्प करता है तथा त्वचा को यूथफुल एंड ग्लोइंग भी करता है। क्या डीमिलान क्रीम चेहरे को परमानेंट फेयर करता है? दोस्तों, ये क्रीम आपको सूट होनी चाहिए। अगर आपको ये क्रीम सूट हो गई, अगर आपका चेहरा गोरा होने लगा है, तो इसके रिजल्ट परमानेंट रहते हैं। सिर्फ आपको अपने स्किन केयर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहती है। डीमिलान क्रीम कितने दिनों में रिजल्ट देता है? दोस्तों, इस क्रीम के रिजल्ट 2 से 3 महीनों के बीच में दिखाई देने लगते हैं। ये क्रीम बहुत ही स्लो वर्क करती है। दोस्तों, इस क्रीम को 3 to 6 मंथ तक ही यूज करना चाहिए। इस बीच आपकी स्किन फेयर हो या ना हो, इस क्रीम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेडिकेटेड क्रीम को लंबे समय तक यूज करना सेफ नहीं माना जाता है। क्या डीमिलान क्रीम को ऑयली स्किन वाले लगा सकते हैं? हाँ, डीमिलान क्रीम को ऑयली, नॉर्मल एंड एक्ने प्रोन स्किन वाले लगा सकते हैं। उनको ये क्रीम बहुत अच्छी तरीके से सूट होती है। लेकिन ड्राई स्किन वाले इस क्रीम को किसी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके लगा सकते हैं, जिससे उनकी स्किन और ज्यादा ड्राई ना हो। क्या डीमिलान क्रीम को छोड़ने के बाद चेहरा फिर से काला हो जाता है? दोस्तों, डीमिलान क्रीम कोई स्टेरॉइड या हाइड्रोक्विनोन कंटेंट वाली क्रीम नहीं है जो छोड़ने के बाद चेहरे को काला कर दे। ये सेफ मेडिकेटेड स्किन लाइटनिंग क्रीम है जिसे छोड़ने के बाद चेहरा काला नहीं होता है। क्या डीमिलान क्रीम को यूज करने से चेहरे पर रेडनेस आती है? डीमिलान क्रीम को यूज करने से चेहरे पर रेडनेस या हेयर ग्रोथ जैसी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। डीमिलान क्रीम के साइड इफेक्ट क्या है? वैसे तो दोस्तों, इसके ऐसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको इस क्रीम में डाले गए किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको स्किन रेडनेस या इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करें। दोस्तों, डीमिलान क्रीम बहुत ही अच्छी मेडिकेटेड क्रीम है जो आपकी त्वचा में मेलेनिन को कम करने का काम करती है, जिसका उपयोग हाइपर पिगमेंटेशन में, कील मुहासों के दाग धब्बों को कम करने में, डैमेज स्किन सेल्स को रिपेयर करने में तथा चेहरे को गोरा बनाने के लिए किया जाता है, जिसे आपको एक बार जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। तो अगर आपको इस क्रीम के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। थैंक यू।